दोस्तों, सबको नमस्ते। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। तो मेरे चैनल नेहा भोजपुरी शॉर्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी आप लोग का आशीर्वाद प्यार दुलार से अच्छी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं गणपति बाबा के भोग लगाने। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आज भी मेरा ब्लॉग पूजा से शुरू होने वाला है और आज गणपति बाबा का विसर्जन भी होगा। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। Yeah.
गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तू ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन हे सुखकर्ता बोधकर्ता बप्पा विनायक गजवंदन पार्वती नंदन बप्पा विनायक सर्वजनार्थ प्रिय दैवत बप्पा विनायक महाद्वारय नगरी सा तो राजा विनायक राजा विनायक राजा विनायक राजा विनायक राजा विनायक हे गजानन हे गजानन हे गजानन बाबा को उठा कर ले जाते हुए। और देखिए हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं गणपति बाबा का विसर्जन करने के लिए। गणपति बाबा का विसर्जन करने के लिए देखिए आंधी तूफान पूरा, बिल्कुल उस टाइम से बहुत धूप था, बहुत धूप, आप देखिए बिल्कुल आंधी तूफान, देखिए कितनी तेज। और चलते हैं मिलते हैं वहाँ यमुना नदी में, जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। ब्लॉक में देखिए हम आ गए यमुना के किनारे, मेरी भाभी जल्दी आ, गणपति बाबा मोरिया अगले बरस तुम जल्दी आ, गणपति बाबा मोरिया अगले बरस तुम जल्दी आ, गणपति बाबा मोरिया जल्दी आ, मोरिया बाबा मोरिया रे विसर्जन करके आ गए। और दोस्तों सुबह से इतनी तेज धूप निकली थी, इतनी तेज पूछो मत। हम लोग मार्केट में गए थे गुलाल लेने के लिए, मार्केट कोई ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, बिल्कुल कमरे के पास में ही, लेकिन हम गए इतनी धूप लगी हमें ना, इतनी धूप पूछो मत। और आए तुरंत उनको बस ना मान लो तुरंत उठा कर ऐसे गणेश जी को लेकर जा रहे हैं, मतलब वो मिनी मेट्रो था, मिनी मेट्रो हम लोग किए थे, आप लोग देखे ही, तो लेके जाकर जस्ट मतलब बैठ रहे हैं उसमें, इतनी तेज पता नहीं कहाँ से इतना तेज बादल भी आ गया, बारिश भी, सब कोई अचंभों में पड़ गया कि धूप रहते रहते इतनी तेज बादल कहाँ से आ गया, इतनी तेज बारिश कहाँ से, बहुत। और दोस्तों बिल्कुल इतनी ठंडी लग रही थी जब भीग गए हम तो। और जब वहां गए ना तो मेरा मतलब सारा तो वीडियो आप लोग देखे ही, लेकिन जो विसर्जन उनको किए वो वीडियो नहीं आया, क्योंकि पानी पर पानी टच पे पड़ा था ना, तो टच कुछ काम ही नहीं कर रहा था, कितना भी क्लिक कर रही थी क्लिक हो ही नहीं रहा था, वहां सब कोई परेशान हो गया था, किसी के फोन, मतलब बारिश बहुत तेज होने लगी वहां जाने के बाद, उनका विसर्जन करने लगा, इतनी तेज बारिश आने लगी पूछो मत।
और हम आए जल्दी नहा कर फ्रेश हो गए और कपड़ा वपड़ा धुल के डाल दिया दोस्तों। तो ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ब्लॉग को करते हैं इसी पे एंड। तो दोस्तों अगर मेरा गणपति जी का ब्लॉग अच्छा लगा हो, विसर्जन का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय सबको।